बेल आइकन ऑन miss एंड अपडेट दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में आज हम मिशन प्रेड़ा के अंतर्गत मॉड्यूल हैं उसके मॉड्यूल आधार से पर आधारित प्रश्नोत्तरी के कुछ प्रश्नोत्तरों को देखेंगे ये प्रश्नोत्तर आप ध्यान से देखें और इन्हें याद कर लें ये आपकी आगामी परीक्षाओं में और आपका जब ए या ब्लॉक स्तर से एवं जिले स्तर से कोई टीम आती है जब आपका निरीक्षण होता है तो उसमें पूछे जा सकते हैं इस... तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है मिशन प्रेरणा का निम्न मॉड्यूल अंग नहीं है तो क्या नहीं है निष्ठा नहीं है आधारशिला फाउंडेशन लड़ने के लिए मॉड्यूल है तो वो है आधारशिला आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं तो उसमें है भाग आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल विशेष रूप से किन दो कक्षाओं के छात्रों में मजबूत आधारशिला विकसित करने के लिए बनाया गया है तो वो है कक्षा एक व दो आधारशिला मॉडल में मुख्यतः किन विषयों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए रोचक जानकारी एवं गतिविधि का समावेश किया गया है तो वह है भाषा एवं गणित आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल में आरंभिक स्तर पर भाषा विकास मॉड्यूल के किस भाग में पढ़े थे तो भाग दो में है आधारशिला मॉड्यूल के भाग पांच का मुख्य अंश क्या है वो है आकलन एवेल्युएशन यदि आप अपने विद्यालय में शैक्षिक सुधार के लिए प्रयासरत हैं तो किसी नवाचार को स्वीकारिता के लिए आपके मन में क्या प्रश्न होने चाहिए तो होने चाहिए ये सारे के सारे लर्निंग आउटकम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है विद्यार्थी के अधिगम परिणाम हैं विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफल हैं विद्यार्थी की अपेक्षित दक्षताएं तो उपरोक्त सभी आधारशिला में लर्निंग आउटकम की कितनी सीढ़ियां बताई गई हैं तो वो तीन सीढ़ियां हैं कक्षा शिक्षण के दौरान कराए जाने वाले गतिविधि के मूल सिद्धांत क्या हैं मूल सिद्धांत ये सारे के सारे हैं निम्नलिखित में से गतिविधि का प्रकार नहीं है आईसीटी है लिखित है मौखिक है व्याख्यान नहीं है गतिविधि के प्रमुख चरण कौन से हैं तो प्रमुख चरण होते हैं ई आर ए सी ई आर ए सी की फुल फॉर्म होती है एक्सपीरियंस रिफ्लेक्शन एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन ई आर ए सी गतिविधि के चरण हैं इनका पूरा नाम में देखेंगे पूरा नाम है हमारा अनुभव चिंतन अनुप्रयोग और निष्कर्ष ई आर ए सिद्धांत में ई e क्या है तो ई e है एक्सपीरियंस आर क्या है R है ई आर ए सी में सी क्या है सी है आपका कंसोलिडेशन भाषा शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रिक लर्निंग आउटकम कौन कौन से हैं तो संख्या है उनकी चार और वो हैं एल एस आर डब्ल्यू स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग इनको हिंदी में कहेंगे सुबो पली लर्निंग आउटकम भाषा विकास के किन चार बुनियादी पहलुओं पर आधारित है तो वो सुनना बोलना पढ़ना लिखना भाषा संरचना और व्याकरण और कल्पना और सृजनशीलता उपरोक्त तो सभी तो बच्चे दिए गए दो चित्रों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं ये उदाहरण है किसका है नेस्टेड लर्निंग आउटकम का भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रिक लर्निंग आउटकम है तो ये हमने देखे थे चार लर्निंग आउटकम थे तो उसमें से ये कल्पना और सृजनशीलता है केंद्रिक लर्निंग आउटकम और आज कि इस प्रश्नोत्तरी का लास्ट क्वेश्चन है गणित विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रिक लर्निंग आउटकम की संख्या कितनी है तो वो है पाँच आप ईमेल एड्रेस जो भी डालेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उसमें इसको सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये पता चल जाएगा आपको याद हुए कि नहीं हुए और तब तक करते रहिए जब तक आपको ये सारे के सारे याद ना हो जाएं 25 फाइव आउट ऑफ ट्वेंटी मार्क्स आपके ना आ जाएँ तो इसको सबमिट करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे आपको रेस्पॉन्स आ जाएगा धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग